राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही वक्त बचा है मतदान को लेकर के। इस वक्त हम बगरू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जो मैडम हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे, गंगा देवी से, क्योंकि इस वक्त वो मैदान पर हैं। गंगा देवी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या वो कांग्रेस सरकार की जो 7 गारंटी वारंटी है क्या उन्हीं को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही है, या फिर उनके कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो जनहित के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी है। हम सीधी बात करेंगे गंगा देवी से कि वो किस तरीके से चुनावी रणनीति को और जनसंपर्क को लगातार आगे बढ़ा रही है। मैम, सबसे पहले तो जिस तरीके से बगरू विधानसभा लगभग 95 किलोमीटर का विधानसभा माना जाता है, किस तरीके से आपके दौरे चल रहे हैं, क्योंकि समय जो है अब चुनाव का बहुत कम बचा है। दौरा तो विधानसभा तो बहुत लंबी है, अपने सब कार्यकर्ता साथ रहते हैं सारे दिन में, सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात का 11 बजे तक करते हैं दौरा। और कार्यकर्ता का गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत काम कर रहे थे। गंगा जय जिंदाबाद। तो जनता की मांग ये है कि दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने और दोबारा जनता का बचा खुचा काम जनता का हो। मैडम, जिस तरीके से अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि 7 गारंटी 7 वारंटी, साथ ही आने वाली सरकार अगर आती है तो महिलाओं के लिए वो प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देंगे, युवाओं को जो है वो लैपटॉप देंगे, तो किस तरीके की ये योजना है जो आने वाले समय में कारगर साबित होगी? भाई, आने वाली सरकार आएगी और आएगी बस 100% सरकार, तो जो सरकारी कॉलेज में पढ़े गए उनको लैपटॉप भी मिलेगा, जो घर में मुख्य लेडीज हो उनको 1,000 रुपये मिलेगा, 10,000 12 1 साल का। तो कई मुद्दा है, हर 7 योजना अभी चलाई है, वो भी हर घर में 500 को सिलेंडर भी मिलेगा। गाय जानवर रखते हैं किसान भाई, तो उनका गोबर भी 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी, तो सरकार जनता को तो लाभ तो बहुत दे रही है, तो मेरे को तो प्रचार करने की जरूरत ही कहाँ है, मेरे तो जनता आगे लाड कर रही है। मुद्दा काम इतना करे तो माने दूसरी योजना गणाबा की जरूरत को ने, बीजेपी तो देख रही है कुछ मुद्दा पर चुनाव जीते, उनके पास मुद्दा नहीं है, केंद्र के पास भी मुद्दा नहीं है, अगर जनता को गुमराह कर दे। जनता समझदार है, राजधानी में रहती है तो जनता सब समझती है कौन सी सरकार काम करवाती है। तो मैडम, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से कन्यालाल हत्याकांड हुआ उदयपुर में, उनके परिजनों को कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर जयपुर में एक लड़के का मर्डर हो जाता है तुरंत प्रभाव से 51 लाख रुपए का चेक, डेयरी और नौकरी भी दे रही है, तो इस तरीके से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। नहीं, बीजेपी तो उनको आरोप गलाव है क्या, उनके पास है, उनको कन्हैयालाल की हुई थी तो उसी टाइम उनका दोनों बेटा को नौकरी दिए थे, अरे 1 करोड़ रुपए साथ दिए थे, 1 करोड़ रुपए दिए थे, 2 बेटों को नौकरी दी थी, कैसे नहीं दिए थे? बीजेपी वाला झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है, खरी राजनीति करती है, जनता का विकास करती है। मैडम जिस तरीके से लगातार सीएम अशोक गहलोत भी दौरा कर रहे हैं, इधर से सचिन पायलट भी दौरा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके चुनाव प्रचार में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की अगर रैली होती है तो आपको कितने बढ़त मिलेगी? मेरे तो राहुल जी मेरे विधानसभा में ठहरे हुए हैं, सोनिया जी मेरे विधानसभा में ठहरी हुई है, तो मेरे को तो जरूरत क्या है, निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, मेरी विधानसभा में अभी भी मेरी विधानसभा में ठहरे हुए हैं वो। तो क्या आपको लगता है मैडम कि अगर वो अगर आपके समर्थन में अगर कोई रैली करते हैं या रोड शो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बढ़त बना पाएंगे, क्योंकि वोटर स्वाभाविक से कहीं कहीं रुझान आपका आएंगे तो स्वागत है उनका, वोट तो बढ़ेगा ही, अरे जनता खुश भी होगी, आपका बड़ा नेता आते हैं तो जनता के खुशी तो होती है। अच्छा मैडम, जिस तरीके से अशोक गहलोत के और सरकार के तो अपने मुद्दे है ही है, लेकिन आपकी तरफ से जनता को क्या स्पेशल सौगात रहेगी, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसे मैनोफेस्टो हैं जो आप अपनी तरफ से लेवल से करवाना चाहते हैं? आप मीडिया वाला रहते हो, घुमा फिरा के बोलते हो, तो सरकार की योजना गंगा देवी की योजना अलग अलग होती है क्या? योजना तो एक ही होती है, हाँ एक ही योजना होती है। इस तरीके से गंगा देवी का ये कहना है कि गहलोत की योजना और गंगा देवी की योजना एक जैसी है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है
कि कांग्रेस कहीं न कहीं यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन तमाम तस्वीरें अभी हाल फिलहाल देखनी बाकी होगी कि क्या यहां पर अगर गंगा देवी के पक्ष में राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी अगर बड़ी रैली करते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर कितने वोटों से गंगा देवी लीड करेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज 21 जयपुर।